आज मौसम भी बहुत प्यारा है दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसके तो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम से आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से नुमान जहाज में खुश आमदीद। तो आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला है, लेकिन मॉर्निंग वॉक नहीं है, 9 बज चुके हैं सुबह के। तो ये जी वो जगह आपको मेरे शोर से पता तो चल चुका होगा, मैं अभी मौजूद हूँ ग्रेटर इकबाल पार्क में। सुबह सुबह कोई भी नहीं यहाँ, अच्छी बात है, अच्छी तरह से शूट हो जाएगा और आपको भी देखने को मिलेगा। इन्होंने अपना छोटा सा भूत बंगला बनाया। ये यहां से चलते हैं। माशाल्लाह पार्क को बहुत खूबसूरत बना चुका है। आए हाय हाय, और भी बहुत से लोग घूमने फिरने के लिए आए हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए, कुछ खेलने के लिए फैमिलीज भी आई हैं। ये आपको दिखाते हैं यहाँ से पूरा व्यू, आज मौसम भी बहुत प्यारा है दोस्तों। अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कैसी जगह पर, ठीक है, जिसका तहरीर के साथ बहुत ज्यादा लिंक है। अच्छा, और आप लोग यकीन है उसे जानते हो, नहीं की तहरीक से वाकिफ भी हैं, हर पाकिस्तानी इस चीज को जानता है और आप लोगों को भी पता होगा। ये रहा मीनारे पाकिस्तान। इसका पाकिस्तान की तहरीक से बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है, समझ रहे हो, सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसके करीब ये जंगले की वार्ड आपको शायद नजर आ रही हो कैमरे में, ये लगा दी गई है, तो अंदर कोई भी नहीं अब जा सकता। ये वो जगह है जहाँ पर दोस्तों बहुत से तारीखी वाकयात गुजरे हैं। 1914 में पाकिस्तान की बुनियाद इस जगह पर रखी गई, जो कि कायदे आजम ने खुद उसे खिताब किया, खुद उसको लीड किया, ठीक है, समझ गया। ये दो मोड आपको नजर आ रहे होंगे, शायद एक दूसरे से नाराज हैं इस तरह से जो खड़े हैं एक दूसरे को पेट दिखाकर। आइए इनसे पूछते हैं ये दोनों क्यों नाराज है। तो भाई साहब क्यों नाराज है एक दूसरे से, तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं, मैं तेरे प्यो शिकायत लाना। कोई जवाब नहीं भाई, इतने सख्त नाराज, चलो छोड़ो हमें, लोते रहो बहन जी।
ग्रेटर इकबाल पार्क की दोस्तों खूबसूरती है। मैं यहाँ काफ़ी अरसे बाद आया तो मैं ये देख कर काफ़ी हैरान हूँ और खुश भी हूँ कि इन लोगों ने काम किया है कोई। चल झूठा। तो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ये इस तरफ है, आए देखते हैं कैसी बनी। एक छोटी सी ट्रेन भी है, अभी आपको नजर आएगी वो रही। ये रहा दोस्तों नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। तो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी फिलहाल ये बंद है क्योंकि शायद आज संडे है इसलिए। आपका मेरे सामने ये छोटा सा कह लें स्टेडियम है, यहाँ पर शायद परफॉर्मेंस वगैरह कोई करता होगा। यहाँ से आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन अभी से करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने किसी दिन यहाँ पर आना तो दोस्तों 10 बजे आए क्योंकि ये 10 बजे खुलता है और शाम 4 बजे तक खुला रहता है। शायद आप में से कुछ लोग जानते हो ग्रेटर इकबाल बनने से पहले इनके दो पार्टीशन थे, एक मिंटो पार्क के नाम से और एक यादगार से नाम से। तो आज से 5-7 साल पहले इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, मिंटो पार्क और यादगार को, और जिसका नाम रख दिया गया ग्रेटर इकबाल पार्क। क्या बात है सर। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलने के लिए सुबह सुबह आया करते थे और आज भी माशाल्लाह वैसे के वैसे ही हजूम। इन लोगों को देखकर मेरा भी दिल कर रहा है क्रिकेट खेलने, लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह बनाएंगे प्रोग्राम फिर से क्रिकेट खेलेंगे। तू मेरा पुत्र छुट्टी का पार्क बहुत बड़ा बन चुका है, तो आज का व्लॉग भी यकीनन बहुत लंबा होने वाला, तो आप लोगों ने कहीं थक कर जाना नहीं है, साथ बने रहना है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये बहुत ही मशहूर अल्लाह ताला के वली हजरत शेर शाह वली का मज़ार है। ये अंदर उनका मज़ार है और यहाँ पर मरम्मत का काम जारी है, अभी रेनोवेशन चल रही है इसकी।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सिख बरादरी का अंदर गुरुद्वारा, तो ये किसी जमाने में मस्जिद हुआ करती थी और इसके साथ ही ये शीश महल। अभी आपको दिखाते हैं एक और चीज, बादशाह मस्जिद है और दरमियान में है जी हजूरी, इस बेचारे को जेल हो चुकी है। Thank you.